में भी हम थोड़ा सा काम करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि डायफ्राम की नॉर्मल जो शेप होती है वो कन्वेक्स अपवर्ड्स होती है, लेकिन जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तब वो फ्लैट बन जाता है। जब वो फ्लैट बनेगा इट इंक्रीज द स्पेस और वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस द प्रेशर इन द आयर प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी आर लंग्स द प्रेशर ऑफ द आयर प्रेजेंट लंग्स डिक्रीजेस, क्योंकि वो स्पेस ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हो गए इसकी वजह से। तो यही याद रखने को, डायफ्राम एक कन्वेक्स अपवर्ड्स होता है एंड इसके मसल्स भी अटैच होते हैं, अटैच टू रिब्स होते हैं, वो डबल कॉलम के साथ भी अटैच होते हैं। ये मसल्स क्या, ये अब फ्लैट कैसे बन जाता है, जो इसकी मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ये फ्लैट बन जाता है। जब ये फ्लैट बन जाता है तो ये नीचे जो एबडोमिनल एबडोमिन में जो विस्तरा है उसको पुश नीचे कर लेता है। ठीक है, एंड थोरेसिक कैविटी जो एनलार्ज हो जाती है वर्टिकली, ऊपर से नीचे की तरफ ही एनलार्ज हो जाती है। सबसे पहले मैं समझाऊंगा, बाद में मैं लिखाता हूं। तो हो गया थोड़ा सा स्पेस ज्यादा। सेकेंड थिंग, अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो वर्टेब्रीज के दरमियान मसल्स होते हैं। ठीक है, ये मसल्स जब आप इंस्पायर करते हो, जब आप सांस लेते हो, अगर आप ऑब्जर्व भी करोगे अभी, जब आप सांस लेते हो ये मसल्स ऊपर चली जाती है। ठीक, सॉरी, ये मसल्स मतलब बाहर की तरफ निकल आती है, मतलब बाहर निकल, स्लंट डिस्लंट फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, एक तो बाहर निकल जाती है, दूसरा नीचे आ जाती है। ठीक है, बिटवीन द रिब्स जो होती है ये मसल्स, ये जब वो कंट्रैक्ट करते हैं पुल्स द रिब्स एंड द स्टर्नम अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। इसकी वजह से जो स्टर्नम होता है, जो इस जिसके साथ ये रिब्स अटैच होती है, बड़ी बोन जो होती है जिसको स्टर्नम कहते हैं, ये स्टर्नम एंड जो रिब्स होती हैं, रिब्स और स्टर्नम, ये अपवर्ड्स और आउटवर्ड्स की तरफ आता है, एक तो ऊपर की तरफ चला जाता है, दूसरा बाहर की तरफ आता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो थोरेसिक कैविटी एनलार्ज हो जाती है फ्रॉम फ्रंट टू द बैक। डायफ्राम की वजह से फ्रॉम टॉप टू बॉटम और वर्टिकली इंक्रीज हो गई। इस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल की मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फ्रॉम फ्रंट टू बैक हो गई। ठीक है, फ्रंट टू बैक हो गई। उसके बाद एब्डोमिनल मसल्स है, जब ऊपर से प्रेशर आ जाता है किसकी वजह से, डायफ्राम के फ्लैट होने की वजह से, इस तरह से ये जो यहाँ पर एब्डोमिनल मसल्स होते हैं ये रिलैक्स होते हैं टू अकोमोडेट द प्रेस्ड विस्तरा, जो ऊपर से प्रेस हुआ है उसको अकोमोडेट करने के लिए ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स, तो एब्डोमिनल मसल्स इस दौरान रिलैक्स करते हैं। तो इसकी वजह से जो थोरेसिक कैविटी का साइज है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जब वो बढ़ जाता है प्रेशर ऑफ आयर इनसाइड द लंग्स डिक्रीज, कितना, टू से बाय फ्यू फ्यू दिस एमएम ऑफ एचजी एंड देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब वो बढ़ जाता है, बाहर ज्यादा प्रेशर होता है अंदर कम प्रेशर होता है, फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर आ जाता है, तो हम इंस्पायर कर पाते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहां पर बताता हूं कि किस चीज का क्या होता है। सबसे पहले डायफ्राम का बताता हूं मैं। डायफ्राम नॉर्मली क्या होता है, ये नॉर्मली किस तरह का होता है, ये कॉन्वेक्स अपवर्ड्स, नॉर्मली कॉन्वेक्स अपवर्ड्स होता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। जब इंस्पायरेशन होगी इट कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एंड बिकम्स फ्लैट, ये फ्लैट बन जाता है। इससे क्या हो जाता है, एनलार्जेस एनलार्ज थोरेसिक कैविटी, टीसी का मतलब थोरेसिक कैविटी वर्टिकली। तो ये क्या करता है, थोरेसिक कैविटी को एनलार्ज करता है लेकिन वर्टिकली। बस ये चीजें आपको डायफ्राम में, दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर इन केस ऑफ डायफ्राम। नाउ द सेकंड इज व्हाट हैपेंस टू द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल्स, इनका क्या हो जाता है, ये वो मसल्स होते हैं जो रिब्स के दरमियान हो जाते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो, ये स्लंट निकल जाती है फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और डाउनवर्ड निकल जाते हैं। देयर कॉन्ट्रैक्शन, देयर
contraction pulls the ribs and sternum outwards, upwards and outwards. इस अपवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट की वजह से क्या हो जाता है, एनलार्ज थोरेसिक कैविटी फ्रॉम फ्रंट टू बैक. एक तो ये एज वेल एज साइड टू साइड. ठीक है, सबसे थोड़ा ओवर एनलार्जमेंट बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द दिस डायफ्राम. अब द रेस्ट ऑफ द एनलार्जमेंट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. ठीक है, तो इसकी वजह से द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस. When it increases, the pressure of the air present inside the lungs decreases. But the pressure of the air outside in the atmosphere is very high. So the air moves from higher concentration to lower concentration. ठीक है, तो ये यहाँ पर abdominal muscles क्या करते हैं, abdominal muscles का क्या होता है इस दौरान, they just relax. तो अलग कंप्रेशन ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन्स बाय डायफ्राम. ठीक है, बिकॉज ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ थोरेसिक कैविटी द प्रेशर ऑफ air in lungs ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है. बिकॉज ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ थोरेसिक कैविटी द प्रेशर ऑफ आयर इन लंग्स डिक्रीजेस. फ्यू mm of Hg below the atmospheric pressure. तो क्या हो जाता है, air कहां से move होता है, air moves from high partial pressure that is atmosphere to low partial pressure That is lungs. हम inspiration कर पाते हैं. ठीक है, तो ये है mechanism of inspiration. अगर आप root क्या हो जाता है inspiration में, कहां कहां से air, सबसे पहले external narrow, यहां से जाएगा air, फिर किस में जाएगा, nasal cavity या नेजल चैम्बर्स से निकल के कहां जाएगा, इंटरनल नैरीज से निकल के फैरिंकस से निकल के ग्लॉटिस से निकल के लैरिंकस से निकल के ब्रोंकाई से निकल के छोटे और ब्रिंक्यूल से निकल के अल्वियोलर डक्ट से निकल के अल्वियोलर, जहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन. टुमारो विल सी द मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन. थैंक यू.